आपका वेलकम आपका तो तो कोशिश करेंगे जितने तक खींच जाए क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम है हमारे इसलिए हम ज्यादा क्लास आपके विषय में नहीं ले पाएंगे तो ये होगी हमारी एम सॉरी एम कह रहा हूँ आर और आर दोनों के लिए होगी और ये क्लास बेसिकली होगी एक्सल बेस्ट पे एक्सेल के कुछ सोल्यूशन हम लेंगे इसमें और पावर पॉइंट के सोल्यूशन लेंगे ठीक है और बाकी जो सोल्यूशन थे लगभग हमने इसमें आपके कंप्लीट कर दिए स्टीमल वगैरह के आप देख सकते हैं ये तीन वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हेल्पफुली राम से काम करेगी ये जो आपके एक घंटे क्लास, क्लास है ये घंटे क्लास है ये आप तीनों देख लें और इसके अलावा जो पुरानी प्रीवियस की वीडियोज हैं वो प्ले में अवेलेबल है आप यहाँ पे जाके भी देख सकते हैं और इनकी भी हमने एक पूरी प्ले बना दी है ओ लेवल प्रैक्टिकल दो हजार इक्कीस इसको आप देख सकते हैं और पुरानी वाली जो है उनको भी दे सकते हैं और क्लासेस भी देख लें जो आपके एस की हैं, सी की हैं, वो क्लासेस भी देखेंगे तो उससे आपको जो उसमें प्रैक्टिकल होते हैं प्रोग्राम होते हैं टैक्स होते हैं वही आपके एस्टिमल्स ये ज्यादा स्क्रिप्ट में पूछे जाते हैं ठीक है तो उसके लिए जो अभी हमने कंप्लीट एक पी का सोल्यूशन हमने बना दिया है जिसमें आपका जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आपके पी में दिए गए थे यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ पे 35 नंबर पेज से अगर आप देखेंगे तो ये जितने भी क्वेश्चन थे आपके पाइथन के सर बच्चे पूछ रहे हैं कि सर पाइथन की क्लासेस कब लगेंगी तो देखिए पाइथन के जो क्वेश्चन इसमें जिस प्रकार से दिए गए अगर हम इसके अनुसार देखें तो ये काफ़ी लंबे क्वेश्चन है लेंथी क्वेश्चन है इनको सॉल्व करवाना वीडियो के माध्यम से संभव नहीं होगा इसलिए हमने इसकी पूरी एक पी बना दी है और कंप्लीट उसमें सारे आंसर आपको विद आउटपुट डायग्राम के साथ प्रोवाइड करा दिए हैं ठीक है और ये देखिए यहाँ पे प्रोग्रामिंग और पाइथन के प्रोग्राम दे सकते हैं कुछ बेसिक प्रोग्राम भी आप तैयार कर लें तो पूरी बेसिक की एक पीडीएफ बना दी है हमने जो कि हमने एग्जाम टाइम आपको दी थी वो आपकी बेसिक में काम करेगी और बाकी जो एडवांस क्वेश्चन है यहाँ पे जो दिए गए इस प्रकार से इन सभी के आंसर हमने डाल दिए जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके ठीक है तो मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूं आर फाइव की जो पीडीएफ करीब तैयार की है एक सौ पेज की बनी है आर फाइव प्रैक्टिकल के लिए और इसमें सब 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 पूरा प्रैक्टिकल हमने आईओटी का प्रैक्टिकल विद एग्जांपल विद आउटपुट के साथ इसमें हमने सारे क्वेश्चन इसमें डाल दिए ठीक है तो आपको कोई अब इसमें दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी स्टीमर भी डाल दिया है पाइथन के भी प्रोग्राम डाल दिए हैं और आपका आई टी भी डाल दिया है पूरा एक्सेल भी डाल दिया है इसमें ठीक है वेब डिजाइनिंग भी डाल दिया है तो दे सकते हैं यहाँ पे लगभग सारे फॉर्मूले एग्जाम्पल आउटपुट यहाँ पे ये सारा आपका एस्टीमल का डेटा है पूरा पूरा कोड इसमें आपको मिल जाएगा सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है और जाके रटना है और आपको वहाँ पे और तो सारे प्रोग्राम रन करेंगे आप बेफिक्र बेफिक्रें और नीचे सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूरा आपका आई का डेटा इसमें डाला गया दे सकते हैं विद डायग्राम के साथ विद उसके आउटपुट प्रोग्राम के साथ ठीक है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी लगभग सारे प्रोग्राम ने जो आपके इस पी में दिए गए थे उसका सोल्यूशन इसमें हमने डाल दिया इस कारण से पूरी पी लंबी हो गई है तो ये पूरा सोल्यूशन हमने आपके लिए कर दिया है आर फोर की जो पी है उसका कॉस्ट है उसमें आपको वाइबा वगैरह मिल जाएगा उसकी आपकी थ्री हंड्रेड रुपये फीस है और आर फाइव की जो हमने फीस रखी है ओनली फोर हंड्रेड रखी थी लेकिन हमने डिस्काउंट कर दिया अभी आपके लिए ओनली थ्री हंड्रेड फिफ्टी में ठीक है तो अभी आप इसको परचेज कर सकते हैं इसमें आपको पाइथन में काफी हद मिल जाएगी एसटीएमल में हेल्प मिल जाएगी सियासत जाबा के सभी प्रोग्राम इसमें बना दिए गए हैं जो जो इंपॉर्टेंट्स होते हैं टैक्स डाल दिए गए हैं और आपके आई के जो भी प्रोग्राम है वो तो उसमें बिल्कुल आपको हेल्पफुल करेंगे वो आपको एग्जाम में भी हेल्पफुल करेंगे प्रैक्टिकल के रूप में भी और उसको अगर सीखना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल देंगे ये प्रैक्टिकल पे आप इसको परचेस करके आर्टियोनो की डिवाइस और घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं इन कोड के साथ देखिए सब यहाँ पर दिया गया ठीक है तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी फ्यूचर में तो ये पूरी पी हमने बना दी है इसको परचेज करने के लिए आप मैसेज करें सेवन डबल जीरो सेवन सिक्स फाइव नाइन फोर एट फाइव पर आप उसको मैसेज कर सकते हैं पेमेंट डिटेल लेके आप पेमेंट करके तुरंत परचेस कर लें क्योंकि अब आप आपके पास टाइम कम है ठीक है आपको ई मेल मिल जाएगी उसको आप प्रिंट कर लें अपना प्रैक्टिस करें तो आज हम बात करेंगे एक्सेल की तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें एक्सेल के दिए गए हैं उसी के अनुसार हम कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे बाकी आप इग्नोर करें तो एक ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है तो हम कुछ नए क्वेश्चन भी आपको बता देंगे अपनी तरफ से तो जो आते हैं बाकी जो प्रीवियस में आए उनको जरूर आप देख लें उनका पूरा सोल्यूशन चैनल पर अवेलेबल है पी में अवेलेबल है ठीक है तो टाइप ऑफ दि फॉलोइंग डेटा आपको दिया गया है ठीक है उसको सेव करना है और यह डेटा आपका दिया गया ए बी सी डी में और ये जो तो सीरीज़ है आपको ये लिखनी है तो हमने पूरा एग्जाम्पल यहाँ पर ऑलरेडी तैयार कर लिया आपके लिए पूरी सीरीज़ हमने वो यहाँ पे लिख दी है ठीक है तो क्या क्या फॉलोइंग सेटिंग्स करनी है उस, वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपका दिया गया तो ये सेटिंग्स आपको करनी है इसके आपको अगर नंबर देखा जाए तो आपको आराम से 20 से 25 नंबर में क्वेश्चन या 30 नंबर में पूछा जा सकता है क्योंकि आराम से इसमें एक दो तीन चार पाँच छः सात सेटिंग्स इसमें करनी है आपको ठीक है तो स्टेप बाई स्टेप देखते हैं एक एक सेटिंग सिंपल सी है कोई ज्यादा कठिन नहीं है तो पहली सेटिंग इसमें आपको क्या कर रहा है हाईलाइट करना है कॉलम ए को और उसको आपको ले जाना है पेस्ट करके आपको ले जाना है कॉलम नंबर सी में ठीक है तो सिंपल सा है हमने मान लीजिए हमने ऑलरेडी कॉपी की रखी हुई हम इसको मिटा देते हैं हमको आपको, आपको स्टेप बाई स्टेप जैसे मान लीजिए आपने ये डेटा रख लिया ठीक है ये डेटा यहाँ पे लिख दिया आप यहाँ पे इसको इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे और हमको ले जाना है मूव तो कंट्रोल सी दबाइए यहाँ पे और यहाँ पे सीधे लाइए माउस को और यहाँ पे कर देंगे तो आपका डेटा सेम आपका आ गया ए से सी में तो पहले जो कॉलम पहला जो है आपका उसमें आपको ये करना हाईलाइट करना है तो हाईलाइट के लिए यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है आपको पूरा हाईलाइट दिखाई दे रहा और इसको सी पे लाके हमने कॉपी करा दिया थी, ठीक है सेकेंड पे आएंगे तो इसमें आपको जो भी नंबर है वो आपको मिल जाएंगे आराम से सेकेंड कॉलम में सॉर्ट दी दे डेटा इन कॉलम सी इन असेंडिंग ऑर्डर दो ऑर्डर होते हैं आपके एक, एक असेंडिंग एक डिसेंडिंग इस प्रकार से आप कह सकते हैं तो असेंडिंग में हम करते हैं इसको तो देखिए दोनों ही मैं बता देता हूँ इसमें दिया नहीं किया, descending भी यहाँ पे दिया गया sort करना डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकिन पहले सॉर्ट ये डेटा इन कॉलम सी वाला जो डेटा है हमने कॉपी करके लाया है उसको असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं ठीक है तो सिंपल सा है इसको आप यहाँ पे इस डेटा को इस प्रकार सेलेक्ट करें और यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलता है सॉर्ट और फिल्टर का ठीक है तो यहाँ पे आपको देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी कि ए से जेड में या जेड से ए में जिसमें भी आप ले जाएंगे तो देखिए असेंडिंग में छोटे से बड़े में आ गया बड़े से छोटे में करना है तो यहां पे चले जाएंगे बड़े से छोटे में आ जाएंगे ठीक है तो ये आपको इसमें से करना था असेंडिंग में तो बड़े छोटे से बड़े में ठीक है ये हो गया सेकेंड नंबर कॉलम थर्ड नंबर है व्हाट इज द लोएस्ट नंबर इन द लिस्ट यूजिंग फंक्शन फंक्शन का यूज करके आपको लोएस्ट नंबर इन लिस्ट में निकालना है तो लोएस्ट नंबर बोल सकता है या फिर मिनिमम नंबर बोल सकता है लोएस्ट होगा लोएस्ट के लिए मिनिमम का फॉर्मुल और उसके बाद हाईएस्ट होगा तो उसके लिए हम मैक्सिमम का फॉर्मा लगाएंगे ठीक है दोनों का फॉर्मा भी दिखा देते हैं तो इसको निकालने के लिए कहीं भी आप ड्रैग कर लें मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया अब हमको सिंपल सा इसको इक्वल टू लगाना है लिखना है मिनिमम हमको निकालना है पहले मिनिमम ब्रैकेट में आएंगे दो न, रेंज आपको देनी है जहां से जहां तक निकालना है तो ये रेंज हमको देनी है यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया ब्रैकेट को बंद कर दिया एंटर कर देंगे तो मिनिमम वैल्यू आपकी इसमें सबसे छोटी कौन सी है चार तो यही आपको निकालना था लोएस्ट नंबर ऑफ दिस लिस्ट में तो ऑप्शन आ जाएगा चार फॉर्मूला आपका क्या है मिनिमम C1 से C15 फिफ्टीन अगर इसका मिनिमम निकालना है जैसे कि मान लीजिए पूछा जाए तो यहाँ पे हम इक्वल टू लगा के मिनिमम लिख देंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे और नंबर की सीरीज भी आप हाथ से भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ से उठा कर सकते हैं जल्दी हो जाएगा या आप सिंपल सा लिख सकते हैं ए A1 वन से ए फिफ्टीन ब्रैकेट को बंद करेंगे इंटर लगाएंगे हो जाएगा मिनिमम इसमें कौन सी है चार सौ बत्तीस अब इसी का मैक्सिमम निकालना है वो भी हम बता देते हैं मान लीजिए मैक्सिमम निकालना है इसी का तो लिखा मैक्सिमम और इसका निकालना है जो मैक्सिमम दोनों में सेम ही होगा मैक्सिमम क्योंकि वैल्यू रेंज सीरीज एक ही है 532 आ गया इसका मैक्सिमम निकालना है तो इसमें हमने लिखा मैक्सिमम सीरीज को सेलेक्ट किया और यहां पे हो गया 532 ठीक है तो ये है आपका पूरा सीरीज निकालने तरीका, का तरीका मिनिमम और मैक्सिमम का ठीक है तीसरा नंबर कॉलम बीस इसमें फिनिक्स हो गया उसके बाद बोला कॉपी डेटा इन ए कॉलम ए से ई में ले जाना है आपको डेटा को डिसेंडिंग में कर देना तो वही चीज है सेम चीज है कि छोटे से बड़े में छोटे से बड़े में या बड़े से छोटे जो भी आपसे कहा जा रहा है वो आप कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ठीक है तो सिंपल से तरीका कोई फॉर्मलेस हमें करना नहीं था डिसेंडिंग ऑर्डर करना शॉर्ट का यूज करके उसके व्हाट इज द नंबर ऑफ यूजिंग लिस्ट में हाईएस्ट निकालना है तो हाईएस्ट के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मला बता दिया मैक्सिमम का फॉर्मला लगा वहां से आप हाईएस्ट निकाल सकते हैं ठीक है हो गया आपका ये पांचों कंप्लीट हो गए उसके बाद पूछ रहा है एफ और जी में ये क्वेश्चन अच्छे हैं इस पे देखते हैं अब यहाँ पूछ रहा है हाउ मेनी नंबर इन दिस लिस्ट आर बिगर देन फाइव हंड्रेड यूजिंग ए डेटाबेस फंक्शन तो यहाँ पे आपको फंक्शन लगाना है और बताना है 500 से ऊपर की कितनी वैल्यू है जो कि बड़ी है वो आपको बतानी है तो बहुत ही सिंपल साइज का हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसको कि हम बोलते हैं काउंट करना है आपको आई एफ एस ये फॉर्मूला इसमें लगेगा काउंट आई एफ एस इसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि इसमें वैल्यू कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है कितने डिजिट जो है उससे ज्यादा बड़ी है देखिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक फॉर्मुला लगाया हुआ है तो इसी फॉर्मूले को हम फिर से आपको लगा के यहाँ पे दिखाते हैं तो मान लीजिए हमको किस कॉलम में बोला जा रहा है इसमें डेटा को करने के लिए हाउ uh, मैनी किसी भी डेटा को आप सिलेक्ट करके दिखा सकते हैं क्योंकि वैल्यू रेंज सब में सेम ही है तो मान लीजिए हम ए वन से ए फाइव का डेटा पांच सौ के ऊपर देखते हैं कितनी वैल्यू यहाँ पे बड़ी है तो सिंपल सा यहाँ पे हम इक्वल टू लिखेंगे लिखेंगे काउंट आई एफ एस ठीक है ब्रैकेट को ओपन करेंगे वैल्यू हमको कौन सी लेनी है ए वन से लेके ए पंद्रह तक की वैल्यू में कौन सी वैल्यू जो है वो पांच सौ के ऊपर तक जाएगी इसको कॉमा किया ठीक है और इसके बाद आ, इसको यहाँ पे कॉमा करना है और इसको यहाँ पे करना है और बड़ी हमको वैल्यू लेनी है यानी कि 500 से बड़ी ये गई इस प्रकार से और इसको बंद कर देंगे देखते हैं कितनी वैल्यू आती है कुछ मिस्टेक है टैप की दवाएं करने जिससे कि फॉर्मूला जो आपका लिख जाएगा ए वन से वन A1 से फिफ्टीन के डेटा हमने सेलेक्ट किए उसके बाद कॉमा इक्वल टू ये लगाया फाइव हंड्रेड लगा इसको बंद कर दिया ठीक है तो अब यहां पे देखिए फॉर्मुला लग गया है ये फॉर्मुला आपका लगा लगांट आई एफ एस ए से ए A1 वन से ए फिफ्टीन के बीच में पांच सौ ऊपर की कितनी वैल्यू है तो यहाँ पे इलेवन वैल्यू आपकी शो कर रहा है तो आप खुद दे सकते हैं पांच सौ के ऊपर एक होगा होगी हो हो दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह ठीक है ग्यारह वैल्यू आपकी है जो कि पांच सौ से बड़ी है तो यही आपका बोला था काउंट करने के लिए इस कॉलम में हाउ मनी नंबर लिस्ट आर बिगर देन फाइव हंड्रेड यूज इन डेटा बेस फंक्शन तो ये आपका फंक्शन इसमें लगेगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल में पूछे जाएंगे उसके बाद दूसरा इसमें पूछा जाएगा सेम वही चीज है हाउ मेनी नंबर्स इन कॉलम आर ए बिटवीन पाँच सौ से पाँच सौ बीस से पाँच सौ चालीस के बीच में कितनी वैल्यू है तो इसके बीच इसके बीच में कौन सी रेंज आएगी 520 आएगी आपकी 521 सौ इक्कीस बाईस तेईस और पाँच तक के जितने भी नंबर होंगे वो इसके बीच में आएंगे तो इस डेटा बेस में कौन कौन सी वैल्यू वो देखिए यहाँ पे हमने फार्मूला इसका लगाया हुआ ऑलरेडी सेम सेम फॉर्मला लगेगा यहाँ तक तो हमने लगाया था पाँच सौ उसके बाद हम फिर से एक बार लिखेंगे कॉमन लगा के ए से ए बीस के बीच में और जो छोटी वैल्यू होंगी पाँच वो यहाँ पे हम लिख देंगे ठीक है तो इस फार्मूला को नोट कर लें तो जब हम लगाएंगे तो पाँच से पाँच के बीच में खाली एक ही वैल्यू आपको मिलेगी ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी वैल्यू है वो पांच अगर इसको हम छोटा कर देते हैं यहाँ पे हम लगा देते हैं 500 तो देखिए हमको मिल जाएंगे 11 वैल्यू ठीक है 500 और यहाँ पे अगर हम लगा देते हैं 400 400 सौ कर देते हैं तो देखिए है हमको और दे, और वैल्यू मिल जाएंगे यानी कि 15। ये सारा डेटा यहाँ पे ले लिया इसने 400 से 540 के बीच में ठीक है तो इस प्रकार से हम बैक कर लेते हैं हमको एक ही वैल्यू का डेटा चाहिए तो नहीं तो फार्मूला आप गलत कर देंगे तो ये फार्मूला को नोट कर लें ठीक है तो ये आपको कंप्लीट हो गया इसमें आपको कम से कम बीस से पच्चीस या तीस नंबर का अगर पूछा गया तो इसी प्रकार से पूछा गया, ये तो नहीं मिलेगा आपको इसी प्रकार का दूसरा मिल सकता है लेकिन फॉर्मूले जिस प्रकार से लगाए गए वो आपको नोट करना है ठीक है आगे चलते हैं एक सेकंड क्वेश्चन इसमें जो कि बहुत अच्छा है एंटर द फॉलोइंग डेटा यूजिंग स्प्रेडशीट और सेव करना जैसे कि ये नंबर दिया तीन स्टूडेंट के नाम है और ये डेटा है चार है बेसिकली एक दो तीन चार पाँच है उसमें टोटल आपको करना है और उसका परसेंटेज निकालना है उसके बाद आपको ग्रेड भी यहाँ पर निकाल के दिखाना है बी में आपको करना है ए में तो सिर्फ आपको टोटल मार्क मार और परसेंटेज लगाना है ठीक उसके बाद बी में आपको करना है कम, ए, कम्पीट करना है ग्रेड लगाना है यानी कि नाइनटी परसेंट के ऊपर होगा तो ए होगा अस्सी के बीच में होगा तो बी सेवेंटी और एट्टी के बीच में सी और सिक्सटी और सेवेंटी में डी ग्रेड आपको मिलना चाहिए तो ये फॉर्मूला किस प्रकार से लगाएंगे इसको भी देख लेते हैं तो सबसे पहले हमको सम करना है तो उसका पूरा डेटा हमने सीरियर यहाँ पर लिख लिया है ऑलरेडी तो अभी हम इसको लिखेंगे नहीं आपको इस प्रकार से पूरी सीट को तैयार करना जैसा कि इसमें दिया गया है इसको छोटा कर लें आप तो आपको पूरी सीट दिख जाएगी और इसको आप अपने अनुसार सेंटर में करना चाहते हैं तो सेंटर में कर सकते हैं इसको आराम से डिजाइन आप दे सकते हैं बोल्ड डैली करके जैसा भी छाए कलर वगैरह फिल अप कर सकते हैं ठीक है जिससे ये थोड़ा सा लुक वाइज ठीक हो जाएगा तो ये हमने सारे नंबर दे दिए अब इसको टोटल करने के लिए सिंपल सा तरीका या तो इसको आप हटा दें यहाँ पे तो देखिए सारा डेटा ऑटोमेटिकली हट गया ठीक है अभी हम कंट्रोल जेट करते हैं तो इसको जोड़ने के लिए सिंपल सा तो यहाँ पे जाएँ उस पर ऑटो सैम पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा ठीक है और इसके नीचे फिर हम यहाँ पे क्लिक करके डेटा सीरीज को फिलअप कर देंगे तो ये सारा डेटा आपका ले लेगा ऑटोमेटिक तो ये आप सिंपल तरीका यूज कर सकते हैं या फिर इनको आप जोड़ सकते हैं फॉर्मूला लगा के भी यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं जैसे कि सम बी टू बी डी टू बी टू से डी टू में इसका फॉर्मूला पूरा लगेगा उसके बाद यहाँ पे बी टू बी थ्री से डी थ्री में उसके बाद बी फोर से डी फोर में तो ये फॉर्मूला भी लगा के इसको सम कर सकते हैं तो ये हो गया आपका सम का फॉर्मूला ठीक है पहले आपको इनको टोटल करना है टोटल हमने कर लिया उसके बाद हम आएंगे इसमें सीधे परसेंटेज करना है तो परसेंटेज के लिए जो फॉर्मूला लगेगा उसको देखते हैं तो परसेंटेज के पर सब्जेक्ट कितने हैं यहाँ पे एक दो तीन चार पांच छह लोग हैं और सब्जेक्ट है तीन तो हम तीन सौ का मान लेते हैं कि तीन नंबर का टोटल था। तो उसके लिए फॉर्मुला है ई टू वाली ये है टोटल नंबर टोटल वैल्यू का परसेंटेज निकालना है तो इक्वल टू लिखेंगे ई टू और इसको बटे करेंगे तीन सौ से उसके बाद इसको बंद करेंगे ब्रैकेट को और इंटू कर देंगे 100 से तो इसका परसेंटेज आपका निकल आएगा तो आप देख सकते हैं इस पर हम ले गए तो देखिए फॉर्मूला लगा हुआ ए टू बटे तीन सौ इंटू हंड्रेड सेम सब में फॉर्मला यहाँ पे लगा हुआ है जिसके कारण तो इसका पूरा परसेंटेज निकल आया अभी हम एक काम ने निकाला है यहाँ पे और उसको नीचे उठा के यहाँ पर ड्रैग कर दिया तो ये सभी का फॉर्म परसेंटेज जो उसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके निकाल दिया इसको कहते हैं आर्टोफि सीरीज या तो आप एक एक का निकालें या फिर ऑटोमेटिकली नीचे ड्रैग कर देंगे यहाँ पे माउथ ला कर देखिए इसका एक, 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 एक प्लस तरह का बन जाएगा पूरा ऑटोमेटिकली आपका सारा परसेंटेज आपके सामने आएगा तो एक का परसेंटेज आपको निकालना होता है ठीक है तो यहाँ से आपका दो चीजें तो कंप्लीट हो गई इसमें यानी कि परसेंटेज और उसका टोटल मार्क ओ परसेंटेज हमने कैलकुलेट करना आपको दिखा दिया अब हम आते हैं बी नंबर जो कह रहा है कंप्यूटर ग्रेड आपको निकालना इसमें थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है और देखिए ग्रेड ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए हैं सी बी डी करके इसको किस प्रकार से जनरेट किया गया देखिए हम एक पे ले जाते हैं तो फॉर्मूला आप देखें यहाँ पे कितना लंबा फॉर्मूला इसका बनेगा ठीक है तो चलिए समझ लेते हैं क्या है इसका फॉर्मूला फिजिकली तो हमको जो ग्रेड निकालना है वो किसके आधार पर निकालना है यानी कि परसेंटेज के अनुसार निकालना है तो हम इसको हटा देते हैं हम फिर से फॉर्मूला आपको लगा के यहां पर दिखा देते हैं किस प्रकार से काम करेगा ठीक है सबसे पहले हम एक कल्टू लगाते हैं ठीक है इक्वल टू के बाद हमको इसमें इफ कंडीशन लगानी होती है हमने लिखा इफ ब्रैकेट को ओपन किया अब हमको डेटा कहाँ से लेना है इसका F2 से लेना है क्योंकि परसेंटेज का ही हमको ग्रेड निकालना है कितने परसेंट होंगे कि तो उसके अनुसार उनको ग्रेड का डिफाइन किया जाएगा तो सबसे पहले हम डेटा कहाँ से ले रहे हैं F2 से तो F2 टू इज लेस देन इक्वल टू नाइनटी फिर हम कॉमा करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे ए यानी कि 90 होगा तो यहाँ पे ए मिलेगा हमको ठीक है उसके बाद फिर कॉमा लगा के इफ कंडीशन लगाएंगे एफ टू में आएंगे फिर से थोड़ा सा लंबा होगा ये टॉपिक और एफ टू को हम लेस देन करेंगे 80 से फिर कॉमा करेंगे यहाँ पे हमको ग्रेड मिलेगा बी ठीक है बी ग्रेड मिला फिर हम कॉमा करेंगे इफ लगाएंगे और यहाँ पे फिर हम एफ टू लिखेंगे एफ टू इस Less than equal to 70, equal to, लगा के यहाँ पे हमको ग्रेड मिलेगा सी ठीक है ये सिंपल सा आपको लिखते जाना जैसा ऊपर जैसे लिखता जा रहा है कहीं मिस्टेक होगा तो वो एरर आ जाएगी फिर हम लोग उसको करेक्शन कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है मैं आपको एक एक लाइन बता दे रहा हूँ जिससे कि आपको वहां पे दिक्कत ना होगा ये क्वेश्चन अगर आपको मिलता है ठीक है इफ लगाया फिर हमने कॉमा किया फिर हमने लिखा एफ टू Is less than equal to 60 comma equal to d comma अब इसके आगे हम कोई वैल्यू नहीं लेनी तो यहां पे f लिख दिया इसके नीचे अगर कोई आता है तो वो फेल हो ठीक है d लिखा और यहाँ पे हमने किया f ठीक है और इसको तीन यहाँ पे कॉलम तीन हमको नहीं सॉरी चार ब्रैकेट लगेंगे क्योंकि हमने चार ब्रैकेट यहाँ पे ओपन किए हैं आप देख सकते हैं एक दो तीन और ये चार इंटर करते हैं देखिए हमको क्या ग्रेड मिला सी सी क्यों मिला क्योंकि 76 परसेंट हमको मिले हैं तो 76 परसेंट यानी कि जो इसके अनुसार अगर हम देखें 76 के लिए हमको सी मिलना था 70 से 80 के बीच में अगर नंबर आते हैं तो हमको सी ग्रेड मिलेगा ठीक है तो हमको सी ग्रेड पे उसने दे दिया अब हमको सभी ग्रेड निकालना है तो सिंपल सा है इसको तो पहले हम कर लेते हैं सेंटर पे जिससे कि आपको सही से दिखाई दे और इसको यहाँ पे आपको ड्रैग करके उठा के यहाँ कर देना सभी का जो परसेंटेज होगा ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा अब यहाँ पे बी क्यों मिला क्योंकि यहाँ पे एट्टी फोर परसेंट बने हैं तो एट्टी फोर यानी कि हमारा आ जाएगा नाइनटी बी वाले में आ जाएगा एट्टी से नाइन्टी परसेंट के बीच में अगर नंबर होंगे तो हमको बी ग्रेड डिफाइन किया जाएगा ठीक है इसी प्रकार से अगर यहाँ परसेंटेज ज्यादा होते यानी कि नाइनटी होते नाइन्टी 91 होते परसेंटेज यहाँ पे तो यहाँ पे हो सकता है हमको ग्रेड कोई और मिलता देखिए हमको 91 लिखा हमने ए ग्रेड यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने दे दिया ठीक है तो इस प्रकार से इसको कैलकुलेशन आपको करना था बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है थोड़ा सा यहाँ पे आपको टोटल का फॉर्म लगाना है इस प्रकार से नीचे आएंगे तो यहाँ पे परसेंटेज का फॉर्म लगेगा ए टू बटे तीन सौ इन हंड्रेड हो सकता है कि वहाँ पे फिल सीरीज आपको दूसरी मिली मिल जाए यानी कि यहाँ ए से लेके हमने एफ के बीच में लिखी हो सकता है वहाँ पे कोई यहाँ पर देखिए सीरीज नहीं लिखी थी ठीक है तो आप उसको तो कहीं भी लिख सकते थे लेकिन हमने शुरू से लिख दिया ए से जिससे कि आपको क्लियर इसमें समझ में आया और ये हो गया आपका अब इसमें हमें तीन सौ लिखा हो सकता है सब्जेक्ट ज्यादा हो तो यहाँ पे आप पांच सौ से भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ठीक है पांच सौ से करेंगे तो वैल्यू कुछ ज्यादा ही कम हो जाएगी देखिए फोर्टी फोर परसेंट यहाँ पे बनेंगे ठीक है तो जितने मार्क होंगे जैसे तीन ही सब्जेक्ट है तो हमें तीन के अनुसार यहाँ पे हमने लिया था थ्री हंड्रेड ठीक है तो इस प्रकार से इसका पूरा और कल इसके लिए परसेंटेज निकालने के लिए ये इसका फॉर्मला लग गया पूरी कंडीशन हमने आपको भी लिख के दिखा दी है इस प्रकार से इसको नोट कर लें और जब आपको पूछा जाए कंडीशन तो वहां पे आप लगा सकते हैं ठीक है आगे चलते हैं तो चलिए आगे चलते हैं इसी में पीडीएफ में अगर आप देखेंगे तो काफी सारे क्वेश्चन दिए लेकिन मैं सबको सॉल्व नहीं करवाऊंगा आपको आप इसमें प्रैक्टिस करें बहुत ही सिंपल सा जैसे कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फिफ्टीन दिया गया है इसमें आपको क्या करना है यहाँ पे देखिए एक पूरे एक लिस्ट बनाई गई है इसमें यहाँ पे आपको टोटल करने है इनके ईयर ईयर बुक है बेसिकली ईयर ये 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 नंबर है पूरे ईयर के मिला के जो टोटल नंबर आए हैं और यहाँ पे इनका एवरेज कैलकुलेशन करना है आपको कंप्लीट करना है आ, 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 रिपोर्ट टू तो कैलकुलेट द कोर्स वाइज एवरेज निकालना है इस वाले रो में ठीक है उसके बाद प्रोवाइड फॉर्मूला एंड कैलकुलेट करना है आपको ईयर वाइज कॉलम में एक जी में आप या इसी कॉलम कॉलम नंबर जी में आप सेव कर लें उसके अनुसार आप यहाँ पे सारे फॉर्म में लगा के इसको एवरेज को कैलकुलेट करना है उसके बाद जनरेट करना है एक कॉलम चार्ट टू कंपेयर डेटा एक आपको एक कॉलम चार्ट एक बना देना है तो चार्ट बनाने के लिए सिंपल सा देखिए अगर हम आपको बता दें देखिए तो डेटा हमने लिया हुआ है तो सिंपल सा है इसी डेटा का अगर आपको चार्ट बनाना है तो कैसे आप बनाएंगे सिंपल सा इस तो पूरे डेटा को आप सेलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से और कॉलम चार्ट आपको बनाना है तो यहाँ से आप जाके कॉलम चार्ट इस प्रकार से बना सकते हैं ठीक है तो बहुत ही सिंपल सा है यहाँ से आप कोई भी डिजाइन कलर वगैरह देना चाहते हैं वो आप आसानी से दे सकते हैं ठीक है तो इस प्रकार से कॉलम चार्ट आप बना सकते हैं ये तीन चीजें इसमें आपको करनी है तो इसको आप बनाएं प्रैक्टिस करें मैंने आपको बता दिया सेम चीजें हैं उसके बाद है एक क्वेश्चन इसमें ये दिया गया एक कंपनी रिकॉर्ड डिटेल ऑफ टोटल सेल्स कितनी हुई हैं तो यहाँ पे सेक्टर दिए गए हैं जनवरी फरवरी मार्च में पीसी के बारह हजार है सत्रह हज़ार ये पूरा डिटेल आपको दिया गया इस प्रकार से जब फिलअप करेंगे डेटा को इसको मैं लिखूंगा नहीं काफी टाइम जाएगा इसमें यह प्रैक्टिस करें एंटर डी डेटा यूजिंग स्प्रेडीज एंड सेव डी सेक्टर आपको स्प्रेड शीट का यूज़ करना है ये आपका देखिए मैं भी आपको सब एक्सल पे बता रहा हूँ ये आपको कहाँ पे जाके करना है कल्प कल्क पे जा पे करना है यानी कि ए, लिब्रा ऑफिस के कल पे जाके आपको करना है ठीक है क्योंकि ये जो आपका आर फाइव वालों को बच्चों का है उनके में आपको कल पे करना है और आर फोर पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप पे जाके एम एस एक्सल पे काम करें सेम वही प्रोसीजर है इसमें भी लेकिन थोड़ा सा मेन्यू में आपको डिफरेंट हो जाएगा थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा मेन्यू में जाके सारे ऑप्शन तो सेम सेम फॉर्मूला उसमें भी आपका लगे कोई भी बिल्कुल भी डिफरेंट आपको नहीं है इसमें ठीक है तो इंसर्ट करना है तो आप देखें इसमें कहीं ना कहीं आपको जरूर सारे ऑप्शन इसमें दिए गए होंगे ठीक है आपको सिर्फ इसमें ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा तभी आपको इसमें मिलेगा ठीक है इसमें आपको ऊपर नहीं ऑप्शन मिलेंगे सारे देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे चार्ट है फॉर्मुला है और पिक्चर्स में भी जाके फ्रॉम फाइल वगैरह है यहाँ पे आपको चार्ट्स का ऑप्शन इसमें मिलेगा ठीक है उसके बाद जब चार्ट में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे पाई चार्ट कॉलम चार्ट बार चार्ट इसके अंदर ये ऑप्शन आपको मिलते हैं तो सब में आपको अलग अलग मिलेगा इसलिए आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा ठीक है लेकिन बनेगा सेम वो इसी तरीके से इसमें में आपको एक्सेल बता रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें देखिए आपको पहले डेटा को लिखना है पूरा इंटर डेटा करना है उसको सेव करना है और से, सेव फाइल का नाम नाम रहेगा सेक्टर सेक्टर ठीक है सेक्टर नाम से आप इसी फाइल को सेव कर दीजिए और उसके बाद यूजिंग अप्रोप्रिएट फॉर्मुला टू कैलकुलेट टोटल सेल्स आपको टोटल लग, सेल्स लगा देना है कहीं पे एक कॉलम लेके कितना भी सेल्स हुआ या इन्हीं के नीचे आप एक कॉलम बढ़ा के उसमें टोटल कर दें इनका उसके बाद क्रिएट करना है सेक्टर का फोर मंथ का जो भी यहाँ पे चार मंथ का आप बेटा देख रहे हैं उन सभी का थ्री कॉलम चार्ट बनाना है और एक कॉलम सो so, और यहाँ पे आपको सिर्फ जनवरी के सेल्स का थ्री का आपको बनाना है बाई चार्ट ठीक है तो दोनों अलग अलग है एक मैं आपको पहले पूरे का बता देता हूँ इस प्रकार से जो कि आपको बोला जा रहा है कॉलम चार्ट तो आपने इसको सेलेक्ट कर लिया और इंसर्ट पे हम जाएंगे यहाँ पे जाएंगे थ्री आपको बनाना है तो थ्री आप कोई भी ले सकते हैं आ, थ्री डी एक चार्ट कोई भी ले लें जैसे कि ये देखिए थ्री डी चार्ट गया या चारों महीने का हो गया ठीक है दूसरा आपसे कहा जा रहा है पाई चार्ट बनाना है ओनली जनवरी वाले ईयर का तो मान लीजिए जनवरी का ईयर है तो इसको आप जाके इंसर्ट करा लें और इसमें पाई चार्ट में थ्री डी पे आना टू डी ये है थ्री डी यहाँ पे है तो ये आपका थ्री डी पाई चार्ट आ जाएगा ठीक है तो इसमें 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 जो डेटा है वो अलग है आपको जो डेटा लेना है वो ये लिखना है लैपटॉप वगैरह प्रिंटर्स वगैरह इसको मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ इसी प्रकार से सेम प्रोसीजर इसमें होगा और इसमें कोई ज़्यादा चेंजमेंट नहीं करनी है सिर्फ जनवरी के सेल्स सेल्स को आपको सेलेक्ट करना है यानी कि ये इतना डेटा आपको सेलेक्ट करना है उसका और उसके बाद जाना है पाई चार्ट पे इंसर्ट पे जाके यहाँ पे ऑप्शन है पाई चार्ट का थ्री डी इस पर आप सेलेक्ट कर देंगे तो आपका डेटा यहाँ पे पूरा आ जाएगा और बाकी इसमें और कोई चेंजमेंट बोले तो उसके अनुसार आप उसको सेटिंग डेट इससे आप एडिट नहीं करेंगे जब भी यहाँ डेटा कोई फिलअप करेंगे उससे ही आपका ऑटोमेटिकली ईयर वाइज चेंज होता जाएगा ठीक है तो इतना ही इसमें रखते हैं बाकी तो मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो बताया हुआ है उसको आप देख सकते हैं एक ये आपका दिया गया है टाइप ऑफ फॉलोइंग डेटा सेफ एम्प्लॉय यूजिंग टूल्स तो पहले आपको ये डेटा पूरा फिलअप करना है इस प्रकार से उसके बाद काउंट करना है तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में कितने हैं ठीक है तो डिपार्टमेंट आपका कहाँ है ये है ठीक है कितने नंबर ऑफ डिपार्टमेंट में स्टूडेंट हैं या पीपल हैं या वर्कर हैं वो आपको काउंट वाले फॉर्मूले से लगा सकते हैं काउंट इफ वाले फॉर्मूले का यूज करके आप लगा सकते हैं लिस्ट दी डिपार्टमेंट आपको बताना है डेस्टिनेशन एमडी वाले जो है डेस्टिनेशन में कितने एमडी डी है वो आपको बताना है लिस्ट लगा के लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट चंडीगढ़ में जो है सिटी से वहां से कितने लोग हैं वो आपको बताना है लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय सैलरी पाँच हजार के ऊपर किन की सैलरी है वो आपको इसमें कैलकुलेट करना है और लिस्ट एड्रेस ऑफ एम्प्लॉज हो डिपार्टमेंट टी आर जी डिपार्टमेंट में कौन कौन से लोग हैं तो ये लिस्ट और डेटा सॉर्ट का बेसिकली काम है इसमें तो सिंपल सा आप यहाँ पे होम मेन्यू पे जाएंगे यहीं पे आपको सारा फीचर्स मिल जाएगा डेटा सॉर्ट का इंसर्ट करने का या लिस्ट निकालनी है वो सारा ऑप्शन इसमें आपको मिल जाएगा ठीक है तो इसको आप करें प्रैक्टिस करें ना है तो कमेंट में बताएं बहुत ही सिंपल सा है आगे चलते हैं इसमें आपको कोई प्रेजेंटेशन के बारे में बताते हैं तो चलिए छोटे सेम आगे चलते हैं आपका अब हम चलते हैं पी पे यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और आपका इम्प्रेस जो आपका आर में यूज होगा ये आर के लिए है और ये इम्प्रेस आपका जो सॉफ्टवेयर है आर फाइव के लिए जो कि लेब्रा ऑफिस इम्प्रेस हम लोग यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छे सिंपल से क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिए गए आपको सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिकल के रूप में पहले आपको क्या सेट आप न्यू प्रेजेंटेशन फॉर थ्री स्लाइड पे आपको काम करना है जो कि पहले होगा आपका ऑन द मास्टर स्लाइड अप्लाई ए थीम फॉर कोई भी आपको एक थीम लेनी है जो कि सभी सभी स्लाइड पे आपकी आनी चाहिए इंक्लूड एन ऑटोमेटेड पेज नंबर इन बॉटम ऑफ द लेफ्ट फुटर में आपका आना चाहिए प्लेस एक क्लिप आर्ट आपको इमेज एक पेन और पेंसिल का लोगो आपको जो कि टॉप राइट कॉर्नर में आपको देना है ठीक है उसके बाद ऐड करना है फॉलोइंग टेक्स्ट टेक्स्ट इन स्लाइड में आपको डालना है जिसमें कि हेडिंग रहेगी आपकी जो कि हाउस हॉट हाउस डिजाइन और इसमें रेड कलर का रहेगा और 25 पिक्सल का फॉन्ट रहेगा फॉन्ट रहेगा एरिया लेफ्ट अलाइनमेंट में इसका सब कुछ सेटिंग्स आपको करनी है तो वही बेसिकली एक तरह से प्रेजेंटेशन आपको तैयार करनी है तो चलिए हम दोनों पे आपको दिखा देते हैं ए, पहले हम चलते हैं लेबर ऑफिस पे तो ये हो गया आपका पावर पॉइंट और ये हो गया आपका लेबर ऑफिस इंप्रेस दोनों का इंटरफेस अगर देखेंगे तो काफी ज्यादा डिफरेंट है मेन्यू वाइज अगर देखें क्योंकि ये ओल्ड वर्जन है और बाकी सेम ही आपका काम करेगा ठीक है तो मास्टर पेज के लिए देखें ऑप्शन दिया गया इस प्रकार से मास्टर स्लाइड इसमें कुछ ऑप्शंस आपको ऊपर ही मिल जाते हैं इसमें आपको कुछ ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे ठीक है तो ये पूरी स्लाइड्स हैं इम्प्रेस की है दोनों में आपको भी हम दिखा देते हैं इसी में आपको बता देंगे तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएंगे तो देखिए सिंपल सा है प्रोसीजर इसमें कुछ आपको करना नहीं है मास्टर स्लाइड आपको लगानी है अप्लाई ए थीम कोई भी आपको एक थीम लगानी जो कि तीनों स्लाइड पे आपके काम करे तो दोनों में हम आ जाते हैं यहाँ पे लिखते हैं न्यू, न्यू स्लाइड इस प्रकार से अगर यहाँ पे हम जाके न्यू कर देंगे तो न्यू फाइल आपकी ओपन हो जाएगी हमको न्यू फाइल नहीं हमको न्यू स्लाइड आपकी स्लाइड कहलाती है तो इन्हीं को हमको ओपन करना है तो हमने तीन स्लाइड लगा ली अब अब आपको बाय डिफॉल्ट तीनों में एक ही थीम आपको लगानी है तो यहाँ पे अगर जाए मास्टर पेज पे हम तो यहाँ पे आपको उस की थीम लिखेंगे रिसेंटली मैं अगर कोई भी यूज करना चाहते हैं तो मान लीजिए हमने ये थीम उठाई और ये आपके तीनों पे अप्लाई हो जाएंगे ठीक है तो इस प्रकार से ये थीम होगी अप्लाई और इसमें भी अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे अगर देखिए आपको मिलेगा डुप्लीकेट स्लाइड कर सकते हैं या न्यू स्लाइड पे क्लिक करके यहाँ से आप लगा सकते हैं और इसमें आपको ऑप्शन मिलता है डिजाइन पे जाके यहाँ से आप उठा के क्लिक कर देंगे तो कोई भी ऑटोमेटिकली डिजाइन आपकी लग जाएगी ठीक है तो ये तीनों में अप्लाई हो गई डिजाइन उसके बाद इसमें क्या कहा जा रहा है तीनों में हमने डिजाइन लगा दी और उसके बाद है यहाँ पे ऑटोमेटिक पेज नंबर जो आपके फुटर में आपको लगाना है ठीक है तो यहाँ पे आपको एक फुटर डालना है इसमें आपको पेज नंबर देना है तीनों में आपको आना चाहिए one, two, three तो इंसर्ट जाना है इंसर्ट में देखिए आपको हेडर एंड फुटर का ऑप्शन मिलता है तो हमको क्या लगाना है फुटर लेना है फुटर में हमको क्या देना है नंबर डालना है ठीक है तो नंबर डालने के लिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिला है फुटर में हमको क्या डालना है पेज नंबर हमने आप वन डाल दिया अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो सभी में आपका नंबर तो नहीं सो रहा है फुटर सो रहा है डाल दिया वन एक सेकेंड ठीक है अब देखिए आपका सब में स्लाइड नंबर आ गया यहां पे अगर आप जूम करके देखेंगे तो नीचे आपको लिख के आएगा स्लाइड नंबर वन इधर आएंगे नंबर तीन ठीक है और सेम इसमें भी आपको उसी प्रकार से कर देना इंसर्ट में आप जाएंगे यहां पे कहीं ना कहीं आपका पेज नंबर का ऑप्शन है देखिए यहाँ पे हेडर फुटर का ऑप्शन भी आप ढूंढ लें इसमें कहीं ना कहीं जरूर आपका दिया होगा हाँ नंबर अप्लाई टू ऑल अभी देखिए इसमें भी आपका वन टू तो, थ्री इस प्रकार से आपकी स्लाइड आ गई इसमें आपने कहा गए इंसर्ट में गए और पेज नंबर पे क्लिक किया और यहाँ फोटर पे जाके स्लाइड नंबर को ऑन कर दिया और सभी पे अप्लाई कर दिया ठीक है तो सेकंड सेटिंग आपकी ये हो गई इंक्लूड ऑटोमेटिक पेज नंबर आपको देती है अब इसमें हम इन दोनों में अगर सॉरी इन दोनों स्लाइड में अगर हम कोई और न्यू स्लाइड ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फोन नंबर आपको डिफाइन कर देगा देखिए फोन नंबर आ गया इसको हम छोटा कर लेते हैं इससे आपको क्लियर दिखाई दे ठीक है और ऐड करेंगे तो उसके नीचे वो फाइव नंबर आपको दे देगा तो इस प्रकार से नंबर इसमें ऑटोमेटिक नंबर जनरेट किए जाते हैं दो हो गए आपके लाइन कंप्लीट उसके बाद है प्लेस क्ली पार्ट आपको डालनी है पेन और पेंसिल लोगों जो कि राइट कॉर्नर के टॉप में जाना चाहिए यानी कि या अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आपका राइट है तो इसपे टॉप पे आपको जाना है क्ली पार्ट पे चलते हैं सबसे पहले और आपको डालना है यहाँ पे पेन एंड पेंसिल अगर अवेलेबल अगर होगा तो आ जाएगा नहीं होगा तो नो रिजल्ट फोन बताएगा फिर आपको करना क्या है एक एक करके सर्च करना है क्योंकि पेन और पेंसिल का यहाँ पे मीडिया जो आपकी शो नहीं हो रही है तो हम देखते हैं ऑफिस कलेक्शन में जाके तो अगर देखिए अगर आपका इसमें शो नहीं होता तो फिर आप इंटरनेट का यूज करें बाकी इसमें देखिए फिलहाल तो अभी आपके सामने मैं सर्च कर रहा हूँ उसमें अवेलेबल नहीं आ रहा है ठीक है तो कोई सा भी हम एक आइकन ले लेते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो तो हमने मान लीजिए ये आइकन आपका ले लिया ठीक है और यहाँ पे इसको पेस्ट करा लिया और इसको यहाँ पे हमने सेट कर लिया छोटा करके तो आपका ये यह यहाँ पे आ गया ठीक है मान लीजिए यही हमको लगाना था अगर सब पे लगाना तो फिर आपको यहाँ पे सीधे कॉपी पेस्ट कर देना या इसका डुप्लीकेट डुप्लीकेट कर देंगे तो सेम इसी तरह से फर्स्ट में भी आ जाएगा सेकंड में भी आ जाएगा ठीक है हमको डुप्लीकेट नहीं करना है सिंपल सा पेन एंड पेंसिल का लोगो लगाना था जो कि यहाँ पर अवलेबल नहीं था इसलिए ये देखिए नहीं सर्च कर रहा है आपका डेटाबेस देख रहे हैं आपको यहाँ पे डेटा में अवेलेबल नहीं है उसी प्रकार से इसमें भी आपको जाना है इंसर्ट में जाके क्लिप आर्ट पिक्चर पे हम गए तो इसमें आप पिक्चर में जाएं फोटो एल्बम में जाके अपना फोटो वगैरह जो भी है कोई भी इमेज यहाँ से ऐड कराना आपको पड़ेगा इसमें बेसिकली क्लिप आर्ट का ऑप्शन दिख नहीं रहा मैं भी सर्च करता हूँ गूगल पे अगर हमको मिल जाता है इसमें ऑप्शन बेसिकली दिया कहाँ है इसको ढूंढना बड़ा ही इसमें ये आपका फ्रॉम फाइल है ये गैलरी हो गया देखिए यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन जो है क्लिप आर्ट का आपका दिया नहीं गया ठीक है आपको इसमें जो फाइल ऐड करनी पड़ेगी हाँ यहाँ पे कुछ एरो वगैरह सिंबल वगैरह दिए गए हैं, यहाँ से आप निकाल सकते हैं हाँ ये आप पे देखिए इसमें मिल गया आपको पेन एंड पेंसिल का ऑप्शन काफी ढूंढने के बाद ये मिला है स्कूल एंड यूनिवर्सिटी में जब आप जाएंगे ये ऑप्शन मैंने कहाँ से निकाला है अभी आपका गैलरी के ऑप्शन से ठीक है इसमें गैलरी का ऑप्शन मिलेगा देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको आपको ढंग से समझना पड़ेगा नहीं तो आप ढूंढ नहीं पाएंगे अब इसको आपको लेना है तो यहाँ पर सीधे आपने पेंसिल को ऐड कर लिया देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल गया और आपको लगाना कहा था टॉप कॉर्नर में तो इसको आपने सेलेक्ट किया इमेज को जहाँ भी लगाना चाहते हैं उसको उठा के आप यहाँ पे टॉप कॉर्नर में लगा सकते हैं ठीक है और दूसरा था पेन तो इसी तरह से पेन को भी आप लगा सकते हैं या बुक बोला गया तो बुक लगा दें जो भी आपसे बोला गया वो आप उठा के सिंपल सा इसको आप उठा ड्रैग करना है इस प्रकार से और इसको टॉप कॉर्नर बोला गया तो टॉप कॉर्नर में इस प्रकार से सेट कर दें अच्छे से राइट टाइप कॉर्नर में आपको लगा देना ठीक है उसके बाद एक हेडिंग डालनी है हॉट आउट डिजाइन नाम से आपको हेडिंग डालनी है तो इसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे यहाँ पे मान लीजिए हेडिंग डाल देते हैं हम हॉट एच ओ यू एस ई डी एस आई जी एन ये हमने एक टाइटल यहाँ पे डाल दिया इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं उठा के कहीं भी आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं मान ली हमको यहाँ करना है तो यहाँ पे कर लें इसको छोटा कर लें इससे कि ठीक ठाक हो जाए ठीक है हमने एक डिज़ाइन यहाँ लगा दी उसका जो कलर रहेगा रेड रहेगा कोई दिक्कत नहीं इसको हमने सेलेक्ट किया इस प्रकार से होम पे गए और इस पर हमने रेड कर दिया उसके बाद है इसका जो फॉन्ट रहेगा कितना रहेगा ट्वेंटी फाइव रहेगा ट्वेंटी फाइव हमने कर दिया उसके बाद कहा जा रहा है इसमें एरियल इसमें फॉन्ट रहेगा तो हमने यहाँ पे लिख दिया एरियल एरियल हो गया फॉन्ट उसके बाद ये आपका रहेगा फॉन्ट लेफ्ट में रहेगा अलाइन करना है तो यहाँ पे हमने इसको लेफ्ट में अलाइन कर दिया ठीक है तो ये इस प्रकार से आपका पूरा फॉन्ट जो है बन गया ठीक है उसके बाद इसमें बोला ऑन द स्लाइड पे आपको करना है सेम इसी तरीके से और वहां पे आपको ये चीज लिखनी है सेकेंड स्लाइड पे आपको जाके ये लिखनी है और उसका जो एरियल रहेगा ट्वेंटी तो इसी में हम गए सेकेंड स्लाइड पे यहाँ पे हमने ऐड टू टेक्स्ट पे क्लिक किया पेस्ट किया इस चीज को और इसको हमने सेलेक्ट किया इसका सेट कर दिया ट्वेंटी और इसको फॉन्ट चेंज कर दिया एरियल ए आर आई एल तो ये आपका हो गया ठीक है यहाँ पे आप टाइटल लाना चाहते हैं तो टाइटल में उठा के कॉपी कर दें इसको यहां पर उठा के इसको पेश कर दे तो हाउस होल्ड डिजाइन में ये आपका आ जाएगा ठीक है इस प्रकार से इसमें करना था उसके बाद है इसी चीज़ में हम आप ये आपका दो पॉइंट तीन पॉइंट हमने क्लियर कर दिए क्वेश्चन नंबर वन मास्टर स्लाइड का क्वेश्चन नंबर टू इसमें टेक्स्ट डालना था क्वेश्चन नंबर तीन में ये आपका पूरा डेटा फिलअप करना था ठीक है तीन चीज आपकी कवर हो गई इसी तरह से सेम इसमें करना है यही चीज़ आपको वो सेम चीज इसमें भी आपको करना है ठीक है तो इसमें हेडिंग डालनी है तो हमने इसको कॉपी कर लिया और इसमें हम चले गए यहाँ पे टाइटल को हमने कर दिया पेस्ट ये गया आपकी हाउस होल्ड डिजाइन सेम इसी तरह से यहाँ भी आप पेस्ट कर दें इसको और ये जो टेक्स्ट आपका कहा गया था इसको उठा के यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें या वहाँ लिखने को बोला है तो आप लिख के दिखा दें कोई इशू नहीं है आप इसको लिख भी सकते हैं और इसका साइज हमने कर दिया ट्वेंटी फाइव और फॉन्ट कर दिया हमने

पहले तो पेस्ट कर दिया इस प्रकार से और इसका साइज वगैरह अगर दिया हो तो आप देख लें साइज वगैरह आपका दिया है ट्वेंटी और एरियल दिया ट्वेंटी कर दिया हमने और ए आर आई ए एरियल कर दिया ये आपका साइज दिया गया था ठीक है अब इसमें आपको बाउंस का लगाना है बाउंस किस प्रकार से लगाते हैं <स्थिति> तो बाउंस बचे के लिए है कि आपका एनिमेशन है ठीक है तो एनिमेशन पे जाएंगे तो यहां से आपको बाउंस नहीं मिलेगा आपको जाना पड़ेगा कस्टम एनिमेशन पे और एट इफेक्ट में देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा इसके अंदर अगर आप चले जाएंगे मोर इफेक्ट में तो यहाँ पे आपको बाउंस ढूंढना है ठीक है देख ले अगर यहाँ पे अवेलेबल हो तो ठीक है नहीं हो ये आपका बाउंस है ठीक है तो अगर इसमें आप बाउंस लगा देंगे तो चारों एक साथ हो जाएंगे और इसकी स्पीड आप जो है थोड़ी सी कम कर लें यहाँ पे फास्ट दिया गया स्लो कर लें जब इसको प्ले करेंगे तो इस प्रकार से ये बाउंस होकर चारों आ जाएंगे अगर बोला जाए चारों में अलग अलग करना है तो पहले एक एक को लिखें और एक एक डेटा में आपको फिर जो है एनिमेशन आपको करना पड़ेगा जैसे कि ये डेटा इसमें आप सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम गए और इसमें हमने बाउंस लगाया तो देखिए एक एक गिरेगा आपका ठीक है सब में अलग अलग लगाना चाहते हैं तो अलग अलग सभी में आपका आएगा फिर मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ अभी हमने जो लगा के दिखाया था वो आपका एक ही में लगा था लेकिन अभी हमने इसको सेपरेट कर दिया है अलग अलग अब जब इसको रन करा कर देखेंगे सॉरी काफी ज्यादा फास्ट है आपके ये सारे कौन से जो फास्ट है उनको आप स्लो कर लें ठीक है ये पहले आपका चारों वाला आएगा फिर आपका एक एक देखे गिरेगा इस प्रकार से ठीक है तो आप एक एक वाला लगा सकते हैं या फिर चारों एक साथ वाला बाउंस लगाना था सेम वही चीज आपको इसमें भी जाके करनी है यहाँ पे आपको वही चीजें लिखनी है जो चीज़ें मैंने अभी बताई ठीक है ये चारों चीजें आपको लिखनी है इसका फोन का साइज लगाना है और इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी इसका थोड़ा सॉफ्टवेयर जो है ना ऐसे ही आपका काम करता है ठीक है तो देखिए यहाँ पे आपको ये स्लाइड्स भी जो आपका दिया गया बाउंस वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे स्पीड वगैरह दी गई इसकी स्लो करना है डाउन करना है या कस्टम एनिमेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे ऐड इफेक्ट आएगा यहाँ पे जाके आपको बाउंस का ऑप्शन 100 परसेंट कहीं ना कहीं दिया होगा ये आपका बाउंस है ठीक है तो ऑप्शन सारे आपको मिलेंगे ऐसा नहीं कि आपको इसको चलाना आपके लिए थोड़ा दिक्कत करेगा ठीक है हमने ये सारे टेक्स यहाँ लगा दिए ठीक है तो हमको इस पे डालना है कस्टम एनिमेशन हम ऐड पे किए गए और यहाँ पे हमने इस पे बाउंस लगा दिया ठीक है इसका साइज जो हम कर देंगे स्लो कर देंगे तो देखिए इस प्रकार से अब ये आपका बाउंस होके आएगा ठीक है तो ये इसमें आपको करना था इसको आप जहां रखेंगे वहां पे ये बाउंस करेगा सिंपल सा आपको करना है उसके बाद पूछा गया सेट अप न्यू प्रेजेंटेशन इसमें भी तीन स्लाइड आपको बनानी है और इसमें आपके अलग अलग काम करने हैं देखिए पे क्या करना है टाइप आ टेलीफोन टाइटल आपको देना है और वर्ड आर्ट से आपको एक टेलीफोन निकालना है इंसर्ट एनी अप्रोट इमेज आपको लेना है जो कि एनिमेशन का होगा और इंसर्ट आपको साउंड इफेक्ट लेना है तो ये सारा चीजें कहाँ से आप लेंगे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ सब देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन होता है ट्रांजेक्शन साउंड का नो साउंड लिखा हुआ है यहाँ से आप जाके ये सारे साउंड यहाँ से आप ले सकते हैं या फिर अगर आप आपको कोई और साउंड हो तो यहाँ पे जाके लोड करा सकते हैं ठीक है तो यहाँ से इसमें साउंड इफेक्ट पड़ेगा उसके बाद है ये आपका हो गया उसके बाद है क्रिएट ए पाई चार्ट इसी का आपको सेकेंड में जाके पाई चार्ट भी अगर बनाना है तो कोई चीज का पाई चार्ट भी आप इसमें जैसे इसी का बनाना है तो इंसर्ट में गए और चार्ट का ऑप्शन मिलेगा पाइप का बनाना है टू डे थ्री डी जो भी है वो आप इसका चार्ट भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं जैसा बोला जाए वो सारे ऑप्शन आपको इसमें मिलेंगे देखिए साउंड का ऑप्शन यहाँ पे भी दिया गया इंसर्ट में जाके भी देखिए इस प्रकार इसका पूरा चार्ट आपके सामने आ जाएगा ठीक है और ये आप एक्सेल की फाइल है इसको बंद करते हैं देखिए एक्सेल में भी उसका डेटा आ जाता है ऑटोमेटिकली और इंसर्ट में गए साउंड ऐड करना है तो यहां से आप जाके कोई भी फाइल आपकी जो होगी साउंड की वो आप ऐड कर पाएंगे ठीक है तो ये है स्टूडेंट पूरा इसमें डेटा आप स्टेप बाय स्टेप देखिए सारा चीजें सेम वही चीज जिसको पढ़ते जाएं प्रैक्टिकल आप करते जाएं सारा क्वेश्चन आप कर लेंगे इसमें कुछ है नहीं राइट पैराग्राफ लिखना है जिसमें कि चार पॉइंट होंगे व्हाट इज एम ए, 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 एम एम पिन और व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ यूपीआई वही चीजें आपकी थ्योरी बेसिस में आपकी दी गई तो ये लगभग पूरा सोल्यूशन मैंने आपको इसमें करवा दिया है अब इसके अलावा कोई डाउट होगी नहीं प्रैक्टिस की चीज़ें आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप कर लेंगे बाकी ये जितने भी कोड हैं ये सबको मैंने पी में डाल दिया जिसको कि आप परचेस कर सकते हैं थ्री हंड्रेड फिफ्टी रुपये कॉस्ट है ओनली मैं आपको कम प्राइस में इसकी फीस रखी है आर फा आर फाइव के लिए आर फोर के लिए और भी कम है थ्री हंड्रेड रुपए दोनों की पी डी एफ नोट अवेलेबल मैंने आपको दिखा दिया उसको परचेज करें प्रैक्टिस करें आपका उसी में से आपकी तैयारी हो जाएगी ठीक है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग